अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 5। आज के इस लेसन से हम प्रैक्टिकली वर्क की तरफ जाएंगे, ऑटो कैड में प्रैक्टिकली वर्क करेंगे। तो आज के इस लेसन में हम फर्स्ट स्टेप करेंगे, जिसमें हम यूनिट को सेट करेंगे, स्केल को सेट करेंगे और लिमिट्स वगैरह को सेट करेंगे। उसके बाद यूसीएस आइकन के बारे में देखेंगे और यूसीएस आइकन पे थोड़ा सा काम करेंगे, उसको हाइड अन हाइड कैसे कर सकते हैं। तो आज के इस लेसन में हम क्या क्या चीज़ें देखनी है जी? आज के इस लेसन में हम देखेंगे यूनिट्स और स्केल को सेट हमने किस तरह करना है, उसके लिमिट्स क्या होती है, लिमिट्स को अप्लाई किस तरह करते हैं, इसका काम क्या होता है और लिमिट्स को सेट किस तरह करते हैं, यूनिट्स को किस तरह सेट करते हैं। इसके लिए मैं ऑटो कैड को ओपन करता हूँ। लोडिंग हो रहा है ऑटो कैड। आपने इन मेरी लेसन को देखना है, देखने के बाद इन पे उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है, खुद प्रैक्टिकली वर्क करना है, ताकि आपको आसानी से कंप्लीट ऑटो कैड की समझ आ जाए। नेक्स्ट लेसन में मैं स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करता हूँ। सबसे पहले लिमिट्स को सेट करते हैं या फिर यूनिट्स को सेट करते हैं, आपकी मर्जी मर्जी है। तो मैं यूनिट्स को सेट करूंगा, तो यूनिट के सेट करने के लिए यू एन शॉर्ट कमांड है इसकी, यू एन। आप देखें लिखा हुआ आगे यू एन यूनिट्स के लिए यूज़ होता है, यू एन एंटर करें। यहाँ पे आप आर्किटेक्चर 0 फुट 0 इंच, ओके। अब यही यूनिट आप अगर यहाँ पे सर्च करेंगे, ढूंढेंगे, आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी इस एरिया में। तो उसके लिए देखें, यहाँ पे मैंने यूनिट्स के लिए मैंने यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में यूनिट्स को लाया हुआ है। तो इस यूनिट्स को लाने के लिए आप ये शॉर्ट कमांड के थ्रू भी हो गया और आपको मेन्यू बार के थ्रू आप यूनिट देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्विक एक्सेस टूल बार के लिए आप इस बटन पे क्लिक करें, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। शो मोर मेन्यू बार है और मोर कमांड्स पे क्लिक करें। जब मोर कमांड्स पे क्लिक करेंगे आपके पास एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आप देखें यहाँ पे एक नया बॉक्स ओपन हुआ है, देख सकते हैं आप। इसमें आपके पास यूनिट्स यूनिट को सर्च करें, देखें आपके पास ये यूनिट लिखा हुआ आ गया। इस यूनिट को ड्रैग करना है आपने, ड्रैग करके आपने, मैं तो थोड़ा साइज छोटा करता हूँ इसको, इस यूनिट को ड्रैग करके आप यहाँ पे ले आए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मैं इसको क्लिक करता हूँ, मेरे पास एक बार यूनिट पड़ी हुई है यहाँ पे, इस पर क्लिक करके तो उसको मैं यहाँ से रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार पे क्लिक करता हूँ, रिमूव हो गई है। इसको यहाँ पे क्लिक करें और इसको ड्रैग करें, यहाँ से क्लिक करके इसको यहाँ पे ड्रैग करके छोड़ दें, देखें यहाँ पे आ गया। तो क्विक एक्सेस टूल बार में आपने जो जो चीज़ें लानी है आप यहाँ से ड्रैग करके उसको ला सकते हैं। तो ये हमने यूनिट्स पे काम किया, यूनिट्स को हम किस तरह लाते हैं सामने आपको बताया मैंने। नेक्स्ट है डायमेंशंस। तो डायमेंशंस के लिए आप इस बटन पे क्लिक करें, डायमेंशन सेट करते हैं। तो डायमेंशन की जो शॉर्ट की होती है वो होती है डी एंटर, मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। प्राइमरी यूनिट्स आर्किटेक्चर डायमेंशन हमें देनी है और 0 फुट 0 इंच डायमेंशन देनी है और ओके कर देना है, सेट करें एंड क्लोज कर दें। दूसरा तरीका है डायमेंशन का, इस डायमेंशन के इस बटन पे क्लिक करें, देखें काफ़ी सारी बार्स आ रही हैं डायमेंशन में और इसी के साथ एक बटन है यहाँ पे छोटा सा, क्लिक करें इसके ऊपर तो डायमेंशन आ गई। तो इसमें आप मॉडिफाई में जाएं, प्राइमरी यूनिट्स में, और यहाँ पे आप डायमेंशन सेट कर सकते हैं जो कि अभी हमने किए। उसके अलावा आप यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे बार भी ले आएँ, मेन्यू बार, ताकि आप इजीली, आपको अगर कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही तो आप वहाँ से भी आप ला सकते हैं। तो जिस तरह हमें फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेट में जाके आप यूनिट्स को लाते हैं, यूनिट्स पे क्लिक करें, फॉर्मेट में आपके पास यूनिट सामने आ जाएगी, देख सकते हैं। डायमेंशन लानी है तो आप डायमेंशन पे क्लिक करें और यहाँ पे डायमेंशन स्टाइल पे क्लिक करें, डायमेंशन स्टाइल आ जाएगा आपके पास। इस तरह हमारे पास कमांड है लिमिट। तो लिमिट्स की जो कमांड है वो आई थिंक यहाँ पे एरिया में तो नहीं है, यहाँ पे आपने, तो लिमिट्स के लिए आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है लिमिट्स एल, यहाँ पे आपने आपको कमांड अप्लाई करनी है
limits limits आ गया, बस देखें क्लिक करें एंटर करें तो आप कह रहे हैं रिसेट मॉडल स्पेस लिमिट्स, ठीक है। लोअर लेफ्ट कॉर्नर से कितनी लिमिट्स होनी चाहिए, तो मैं 100 देता हूँ, 100 फुट की लिमिट्स होनी चाहिए। राइट कॉर्नर से कितनी होनी चाहिए, 100 ही देता हूँ मैं, तो वापस लिमिट सप्लाई हो जाए। चार बार आपने एंटर करना है, वापस लिमिट सप्लाई हो जाएगी। तो लिमिट्स देना या लिमिट्स ना भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ एक कमांड है लिमिट्स के, आपके पास कुछ एरिया या कुछ लिमिट्स होनी चाहिए जिस एरिया पे आप ड्राइंग को इंसर्ट करें, तो उसके लिए आप यहाँ पे लिमिट्स दे सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने फॉर एग्जांपल यूसीएस आइकन है बस यहाँ पे, इस यूसीएस आइकन को अपनी ओरिजिन पॉइंट में लेके जाना है, तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इसको मैं एल इंटर करता हूँ, लाइन यहाँ से लाइन देता हूँ, लाइन को स्ट्रेट करने के लिए F8 की शॉर्ट कमांड है, F8 अपने कीबोर्ड से प्रेस करें। देखें अब मैंने जो ही ये इसको जूम किया तो मेरे पास ये एरिया एक आ गया लिमिट्स के लिए, और जो मेरे पास एक्स ये हमारे पास यूसीएस आइकन है वो यहाँ पे आ गया, तो मैं चाहता हूँ ये हमेशा ओरिजिन पॉइंट में ही रहे यूसीएस आइकन। तो उसके लिए आप व्यू में जाएं, डिस्प्ले पे क्लिक करें, यूसीएस आइकन इसको ओरिजिन पे क्लिक करेंगे तो ये अपनी ओरिजिन पॉइंट में आ जाएगा। दूसरा तरीका है आप इसको यहाँ पे आप लिखेंगे यूसी एंटर, यूसी एंटर डिस्प्ले एट UCS ओरिजिन पॉइंट, क्लिक करके वो कर दें तो ये अपनी ओरिजिन पॉइंट में आ जाएगा। तो ये UCS है। ये जो ग्रिड्स हैं इनको ख़त्म करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये यहाँ पे लिखा हुआ डिस्प्ले ड्राइंग ग्रिड्स, यहाँ पे नीचे देखें लिखा हुआ है, क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो ये देखें ऑफ हो गए। तो हम ग्रिड को ऑफ करके काम करेंगे क्योंकि हम ईजिली ताकि हम ईजिली काम कर सकें इस पर। तो ये कुछ यूनिट्स किस तरह सेट करते हैं, इसमें काम किस तरह करेंगे हम, और फॉर्मेट से किस तरह हमने लिमिट्स को किस तरह सेट किया, यूनिट्स को किस तरह सेट किया, तो ये आप यहाँ पे यूनिट्स सेट कर सकते हैं। उसके अलावा यूनिट्स जो होती हैं आपके पास, यूनिट जो हैं 0 फुट 0 इंच आ गए जी हमारे पास, देखें 0, 1/2, 1/4, 1/5, तो ये कुछ इसकी जो होती हैं प्रिसीशन होती हैं यूनिट्स की टाइप्स, और इसकी प्रिसीशन होती हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर हम इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे इनका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है और किस लिए यूज़ की जाती हैं, लेकिन फिलहाल हमने हमेशा टाइप आर्किटेक्चर रखनी है और यूनिट में इसे हमने 0 फुट और 0 इंच ही रखना है। जब हम मैकेनिकली काम करेंगे तो हम मैकेनिकल भी काम करेंगे, तो मैकेनिकल के लिए हम यूज़ करेंगे। तो ये जो हमारे पास यूनिट्स हैं और यूनिट्स पे काम किस तरह होता है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर के साथ मैकेनिकल भी आप यूज़ कर सकते हैं, इंजीनियर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आर्किटेक्चर पे काम करता हूँ, आर्किटेक्चर में मैकेनिकल स्ट्रक्चर भी बन सकते हैं और कोई भी स्ट्रक्चर आप कोई भी चीज़ बनाना चाहो आप बना सकते हैं। इसमें कुछ भी वो नहीं है कि आप जो है तो मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल या इंजीनियरिंग यूज़ करेंगे, नहीं, आर्किटेक्चर पर भी आप ये काम सारे कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, नई कमांड के साथ हासिल होंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।